हेलो बच्चों, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है बंकुसाई की प्यास। क्या आपको कार्टून देखना पसंद है? आप कौन सा कार्टून देखते हैं? जंगल बुक जरूर देखा होगा। जंगल बुक में मोगली का नाम तो जरूर सुना होगा। मोगली कहाँ रहता है? जंगल में जानवरों के बीच रहता है। वह बड़ा होनहार बच्चा है। पता है, आज मोगली और बंकुसाई उसके दोस्त आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। किस बारे में कर रहे हैं वो आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज न बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ थी, न बादलों की गड़गड़ाने की। कड़कड़ाने का मतलब है बिजली के कड़कड़ाने की जो आवाज़ आती है उसका, और गड़गड़ाने के मतलब होता है बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़। पता है, जंगल में बहुत तेज तूफान आया था और उसकी वजह से सारे जानवर डरकर अपने अपने घरों में छिप गए थे। आज पूरे 3 दिनों के बाद जंगल शांत था। 3 दिन हो गए तब भी जंगल में अपने घरों से कोई बाहर नहीं निकल रहा था। मोगली, बंकू साई, बंकू साई, क्या हुआ? बंकू साई, तूफान थम गया है। थम का मतलब होता है रुकना। फिर भी तुम उदास क्यों हो? तो बंकू साई कहती है, तूफान तो थम गया मोगली, पर ये जो कठिनाई देकर गया है मैं उसके बारे में सोचकर परेशान हूँ। मोगली, कौन सी कठिनाई बंकू साई? तो बंकू साई बोलती है, तूफान ने नदी तक पहुंचने वाले रास्ते में पेड़ ही पेड़ गिरा दिए हैं, जिस वजह से नदी के पास जाना मुश्किल हो गया है। प्यास बुझाने के लिए अब मुझे नदी के दूर वाले किनारे पर जाना पड़ेगा। ये बात किसने कही? बंकू साई ने, क्योंकि तूफान की वजह से नदी के आसपास में चारों तरफ पेड़ गिर गए थे और मोगली को नदी के पास जाना मुश्किल सॉरी मोगली ने बंकू साई को नदी के पास जाना मुश्किल हो गया था। तो मोगली उसकी ये समस्या सुनकर इधर उधर देखने लगता है और कुछ केलों के पत्तों को तोड़कर उसकी बेलनाकार नली बनाने लग जाता है। बेलनाकार का मतलब पता है बच्चों? बेलन के आकार की नली बनाने लगता है। बंकू साई, अरे मोगली, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोगली, देखती जाओ बंकू साई, अभी तुम्हारी समस्या दूर कर देता हूँ। जब नली तैयार हो जाती है तब मोगली उसके एक हिस्से को नदी के पास ले जाकर और उसे पानी में डुबा देता है और वापस बंकू साई के पास आता है। बंकू साई, अरे मोगली, तुम ये क्या कर रही हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोगली कहता है, एक पल रुको तो सही बंकू साई। मोगली उसके दूसरे हिस्से को मुंह में डालकर हवा खींचता है तो उस दूसरे हिस्से से नली से पानी मुंह में आने लगता है। बंकू साई, अरे वाह मोगली, तुम तो कमाल हो, पानी भी मेरे घर में मजा आ गया। तो मोगली की ये करामात देखकर बंकू साई खुश हो जाती है, लेकिन कुछ पल के लिए वह खुशी से झूमती है, लेकिन वह वापस उदास हो जाती है। उदास क्यों होती है बच्चों? पता है, वह दूसरे जानवरों के बारे में भी सोचने लगती है। तब मोगली पूछता है, फिर क्यों उदास हो गई? अब क्या हुआ? तो बंकू साई कहती है कि मैं दूसरे जानवर भी तो इसी रास्ते से गुजरते हैं, उनका क्या होगा? तो मोगली, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। मोगली बोलता है, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। और वह इधर उधर देखकर कुछ बेलों को आपस में बांधता है, फिर उनका एक सिरा रास्ते पर गिरे पेड़ों के साथ बांध देता है और आवाज़ निकालकर हाथियों के झुंड को आवाज़ लगाता है। हाथियों के सरदार को आवाज़ लगाने से वह तुरंत उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आज मोगली ने हमें कैसे याद किया? तो मोगली कहता है, जंगल के सरदार, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। आपको इन लताओं को खींचकर नदी के दूसरे किनारे पर ले जाना है। तो हाथी बोलते हैं, बस इतनी सी बात है तो हम जरूर करेंगे। हाथी मोगली के कहे अनुसार नदी के एक किनारे से वो दूसरे किनारे पर ले जाते हैं और उसके ऐसे करने से लताओं से बंधे पेड़ के दोनों किनारों पर टिक जाते हैं। बंकू साई, वाह मोगली, तुमने तो कमाल कर दिया। तो मोगली कहती है, तो बंकू साई है ना मोगली के इस बात को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया है, तुमने तो जंगल का रास्ता भी साफ कर दिया और नदी पर पुल भी बना दिया। पुल जानते हो बच्चों? नदी के ऊपर जो रास्ता बनाया जाता है उसे पुल बोलते हैं। अब नदी के दूसरे किनारे पर भी जानवर आ जा सकते हैं। बहुत समझदार हो। और मोगली पता है बहुत समझदार और मददगार था वो। इंसान का बच्चा जान
जंगल में रहकर सभी जानवरों की मदद भी करता था। और मोगली को बंकुसाई धन्यवाद देती है। पता है बच्चों, मोगली ने कितना महान कार्य किया। एक तो नदी पर पुल भी बना दिया और जानवरों को पानी, जो पानी पीने के लिए उनको कठिनाई हो रही थी, उसकी समस्या भी दूर कर दी। वैसे बंकू साहिब भी अपने हित के बारे में न सोचकर जानवरों के हित के बारे में भी सोचा। इस प्रकार दोनों ने मिलकर जंगल के सभी जानवरों की मदद की। अब बच्चों पता है। तो बच्चों, इस तरह अपन का ये चैप्टर समाप्त होता है। और जो कठिन शब्द है वो आप इनको देखकर इनको लर्न करो और चैप्टर भी रीडिंग करो। धन्यवाद।